भारत ने आज यानी 22 अक्टूबर को DRDO द्वारा विकसित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 22 अक्टूबर की सुबह इसे अत्याधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया। सीमा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच इस मिसाइल परीक्षण को काफी अहम माना जा रहा है। भारतीय सेना को मजबूती देने की दिशा में हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस समेत कई मिसाइलों के परीक्षण किए गए हैं। चलिए इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खासियतों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मिसाइल किसी भी मौसम में दुश्मन के बड़े युद्ध टैंकों को मार गिराने की क्षमता रखती है। इसमें इंफ्रारेड भी है जो लॉन्च से पहले टारगेट को लॉक करता है। इसके बाद नाग अचानक ऊपर उड़ती है और फिर तेजी से टारगेट के एंगल पर मुड़कर उसकी ओर चल देती है। लक्ष्य भेदने की इसकी क्षमता काफी सटीक है। यह मिसाइल जमीन से जमीन पर 4 किलोमीटर तक मार कर सकती है और हेलीकॉप्टर से इसकी मार क्षमता बढ़कर 5 किलोमीटर हो जाती है। नाग मिसाइल की खासियत यह है कि यह उड़ान भरने के बाद अपने ऑपरेटर के पास पूरे क्षेत्र के फोटो भी भेजती रहती है। इससे ऑपरेटर को क्षेत्र में मौजूद दुश्मन के टैंकों की सटीक संख्या पता चलती जाती है। इसके आधार पर वह अन्य मिसाइल दाग उन्हें नष्ट कर सकता है। रण क्षेत्र में सैनिक शत्रु के टैंकों को देखने के बाद उन्हें तबाह करने के लिए नाग मिसाइल दागते हैं। ऐसे में इसकी रेंज कम रखी गई है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर काम करती है। टैंक की ऊपरी सतह उसके अन्य हिस्सों की अपेक्षा कमजोर होती है। ऐसे में यह ऊपर से हमला बोल टैंक की ऊपरी सतह में होल कर उसके अंदर जाकर विस्फोट करती है। नाग मिसाइल किसी भी टैंक को ध्वस्त करने में सक्षम मानी जाती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जागरण जोश के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यूं ही देखते रहें जागरणजोश.com।